वेलकम बैक अगेन दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। इधर दोस्तों बात करने वाला हूँ, आज अक्षय कुमार ने एक रील्स डाली है जो कि मूवी खेल खेल से है, बट उसमें रितेश देशमुख क्या कर रहे हैं और फरदीन खान क्या कर रहे हैं। फरदीन खान तो चलो मूवी में है, पर रितेश देशमुख का क्या? तो आपको गाइस बताता चलूँ कि ये दोस्तों एक रील्स बनाई उन्होंने हाउसफुल 5 मूवी के, यानी कि अब शूटिंग के लिए तैयार हैं ये सब जाने के लिए। अगस्त में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस मूवी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये रील्स बनाकर डाला है। क्योंकि हमें जब रील इन्होंने डाली तो मूवी हे बेबी की तो आपको जरूर याद आई होगी, क्योंकि दोस्तों 17 साल पहले हे मूवी बेबी हमने देखी थी, जो दोस्तों वही फिटनेस इन तीनों में दिखाई दे रही है, रितेश, अक्की एंड फरदीन खान। सो कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कौन कौन चाहता है कि ये तीनों दोबारा एक साथ हमें एक बार देखने को तो मिलेंगे हाउसफुल 5 में, कि हे बेबी पार्ट 2 में भी ये दोनों देखने को मिलो। तो यह पर्सनली कहूँ, मेरा बहुत मन है कि हे बेबी 2 पार्ट आना चाहिए। अगर असली कमबैक अक्षय कुमार ने करना है ना, तो इन मूवीज पर ध्यान दीजिए, हे बेबी 2, अवारा पागल दीवाना 2 या हीरा फेरी 3 पर इन मूवीज के अच्छे डायरेक्टर लाइए, देखिए तब होगा कमबैक। क्योंकि दोस्तों सनी देओल ने अपने कैरियर में अगर जो फिल्में दी थी ना, 30 फ्लॉप दी थी। अगर आपको बताता चलूँ कि सनी देओल ने जो लास्ट मूवी इनकी आई थी ना 2023 में, गदर 2 आई, उससे कमबैक किया है। तो उससे पहले इन्होंने किसी भी साल में 2001 में स्वाद चखा था इंडियन मूवी से। गदर के बाद इंडियन ही एक ऐसी मूवी थी जिसने अच्छा खासा बिजनेस किया था, उसके बाद ऐसी नज़र लगी। अब आप सोच रहे हो यमला पगला दीवाना भी हिट थी, अपने भी हिट थी। दोस्तों हिट नहीं, वो एक सेमी हिट थी, एवरेज मूवी थी यमला पगला दीवाना भी और अपने भी। तो सनी देओल की सोलो कोई मूवी दोस्तों अगर चली है तो उसके बाद गदर 2 ही चली है, अदरवाइज उनकी कोई और मूवीज़ नहीं चली। उन्होंने 30 लगातार बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज़ दी हैं। तो अब ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अक्षय कुमार को भी अपना कमबैक करना है ना, ये दाग हटाना है, तो उनको ऐसी मूवीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको पता ही दिया मैंने, हे बेबी 2 हो या फिर रॉडी राठौर 2 कर लें, या कॉमेडी पे हेरा फेरी 3 दोस्तों करें, क्योंकि हेरा फेरी 3 को भी इनसे ज़्यादा टाइम हो गया। अभी हे बेबी 2 को तो दोस्तों 17 साल हो गए, उस मूवी को 18 साल हो गए हैं। तो यार समझ नहीं आता है कि अक्षय कुमार कौन सी मूवी को ऐसे एकदम से कर लेते एक्सेप्ट कि मुझे ये करनी है। अच्छी बातें कर रहे हैं, बट आप लोग ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करिए कि चाहे भले ही आप 6 महीने में एक मूवी लाइए, पर लाइए दमदार जो ऑडियंस के मन को भाए। बाकी आप लोगों क्या देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।